जी कोई सवाल जी मैम, जो इससे पिछली स्लाइड आपने कराई जिसमें आपने पीयर प्रेशर के बारे में बताया था कि किस तरह जी ये वाले ये अपनी जगह वैलिड तो है, ऐसा बिल्कुल होता है, तो है बिल्कुल है। सिचुएशन में बच्चों को कैसे गाइड करें कि जब क्लास में 39 बच्चे नहीं फॉलो करें चीज को, एक आपने कैसे फॉलो करना, स्कार्फ हो गया, नमाज हो गई, कुछ भी कोई भी ऐसी बिल्कुल क्लास एक तरफ एट टाइम्स ऐसा होता है कि फैमिली में आप इतने ऑड वन आउट होते हैं कि नानी नाना या दादा दादी वो अगेंस्ट होते हैं सारी एक्टिविटीज के, तो उसमें हमको कैसे बिल्कुल बात आपकी बात बिल्कुल सही है कि पीयर प्रेशर तो है हम पे भी होता है और जितना बच्चा छोटा है उतना ज्यादा उसके लिए डिफिकल्ट हो जाता है कि वो कोप कैसे करें। देखिए आपको फिर टेक्निक्स आनी चाहिए पीयर प्रेशर को कोप करने की, आपको तरीका आना चाहिए। पहली बात तो ये कि अपने बच्चों को बहुत बड़े फिर फितने में ना डालें, ऐसे इंस्टीट्यूशन में ऐसे स्कूल में ऐसे इदारों में मत भेजें जहां पर आपका बच्चा फिर उस पीयर प्रेशर से कोप ना कर सके। जहां तक आप बचा सकते हैं उनको बचाएंगे नंबर एक, लेकिन खानदान में आप कितना रोक सकते हैं, या इवन स्कूल में भी अच्छे से अच्छे स्कूल में भी जब आप डालते हैं तो एक हद तक आप बच्चों को बचा सकते हैं। अब आपने उनको बड़ी स्ट्रांग फाउंडेशन घर में देनी है, मसलन आपका अपने बच्चे के साथ कम्युनिकेशन स्किल बड़ा स्ट्रांग होना चाहिए कि आपका बच्चा आपको आके हर बात बता सके। हमारे बच्चे अक्सर हमसे बात नहीं करते, क्यों? मसलन अगर आपके बच्चे ने नाइन्थ क्लास का बच्चा अगर उसने कह दिया कि मेरे दोस्त स्मोक करते हैं तो हम तुम तो नहीं करते, तुमने भी किया होगा, तुमने पिया होगा, तुमसे स्मेल आ रही है, ये तुम्हारा दोस्त अच्छा नहीं है, ये तुमने भी जरूर कुछ किया होगा। नहीं, आपने अपने बच्चे की बात को बड़े तहम्मुल से सुनना है और अब आपने देखना है कि मुझे यहां पे सलाह करनी है तो कैसे करनी है, और अगर मुझे आगे सलाह करनी है तो किस तरीके से करनी है, ठीक है, ताकि आपका बच्चा आपके साथ हर चीज शेयर कर सके। मसलन आपकी बच्ची आपको आगे बता रही है कि अम्मा मुझे आज मैं बड़ी तंग हुई हूं, आज पता है सब फ्रेंड्स इतना एंजॉय कर रही थी, उन्होंने बाल खोले हुए थे, उन्होंने बहुत फैशन किए हुए थे और मैं नहीं कर सक रही थी बिकॉज आपने मुझे बताया कि मुझे हेड कवर करना है, तो आप उसको उस दिन ट्रीट कर दें किसी चीज से, आप कहें कि मैं इतनी खुश हुई हूं आपकी ये बात सुन के, मेरी बेटी कितनी बहादुर है, और आप उसको किसी जगह पे ले जाएं, कुछ खाना खिला दें। इसके अलावा आप अपनी बच्चियों के लिए कुछ ऐसी पार्टीज किया करें जहां पे वो ड्रेसअप हो सकें। आपके आप ऐसे करो, इस वीकेंड पे अपनी फ्रेंड्स को बुलाओ एंड लेट्स हैव अ ड्रेस अप पार्टी, और भी मौके पे जो जो उनकी फ्रस्ट्रेशंस हैं उसके मुताबिक कोई उनको आउटलेट्स दिया करें जहां पे वो हेल्दी आउटलेट्स उनको मिलें, और इसके साथ साथ उनको रेगुलर ऐसी क्लासेस में डालें जैसे यहां पे भी माशाल्लाह आपके यहां क्लासेस होती हैं, और अगर आप में से कोई दूर से आया अपने इलाके में ढूंढें या खुद कोई ऐसे फोरम्स क्रिएट करें कि आप अपने बच्चों को साथ साथ एजुकेट करें, वीकली डोज दें। आप में से जो लोग वीकली दर्स पे आते हैं आप मुझे बताएं अगर आपका दो हफ्ते दर्स मिस हो जाए तो क्या होता है, मुश्किल हो जाती है ना चीजें फॉलो करनी। इसी तरह हम सबको रेगुलर डोजेस चाहिए होती हैं, और इसी तरह उनको अच्छे और बुरे दोस्त की पहचान सिखाएं, उनको ये बताएं कि हमने हर एक के खैर से फायदा हासिल करना है, हर इंसान के शर से अपने आप को बचाना है, कैसे बचाना है वो तरीके उनको सिखाएं। ये सारे स्किल्स होते हैं, जितना आप उनको सिखाते जाएंगे आप देखेंगे इंशाल्लाह उस रास्ते से निकलते आएंगे। और वही बात है कि अपने बच्चों पे खास नजर रखनी कि वो किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, और कई चीजों पे आप ना जिसे कहते हैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करें कभी भी। मसलन मैंने अपने बच्चों की वीकली कुरान क्लास पे कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, उसमें उनको बचपन में कभी चाहे अगले दिन फाइनल एग्जाम भी है उनको कहा तुम्हें आना है, उससे ये हुआ कि उनकी अल्हम्दुलिल्लाह स्ट्रेंथ उनको कुरान से मिलती रही है। इसी तरह कुछ ऐसी फैमिली से दोस्ती करें जो कि आपके तरह के सोच वाले हों, और आप वीकेंड पे अपने बच्चों को जरूर उनसे मिलने का मौका दें। स्कूल से नहीं बदल सकते ना हर एक के या हर वक्त, या स्कूल के माहौल नहीं बदल सकते, तो ऐसे लोगों से दोस्ती करवाएं जहां पे बच्चे आपस में मिलके ना उनको स्ट्रेंथ मिले। हमारे साथ भी ऐसे ही होता है ना, मसलन आप जब बैठते हैं कहीं कुरान की गैदरिंग में आपको बड़ा हौसला आता है, आप कहते हैं अच्छा मेरे जैसे बहुत से लोग हैं, जब आप अपने घर जाते हैं वहां कोई गाने सुन रहा है, कोई टीवी देख रहा है, कोई पर्दा नहीं करता, इन क्या होता है वो आप बर्दाश्त फिर कर लेते हैं। तो बच्चों को भी इसी तरह से आपने साथ लेके चलना है।